गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन जी की क्लास। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 11, फॉर 10 एनिमल। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एनिमल्स बहुत सी तरह के होते हैं। दे कैन बी सीन ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। वे पानी में और जमीन पर दोनों में देखे जा सकते हैं। नेम दीज एनिमल्स शोन बिलो। हमें नीचे कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, इनका नाम लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द क्ल्यू बुक्स। हमें क्ल्यू बुक्स से हेल्प लेनी है। ये हमारे एनिमल्स हैं और नीचे हमें यहाँ क्ल्यू बुक्स दिया गया है। इन क्ल्यू बुक्स में हम एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन से एनिमल है। ऑक्टोपस, सील, वॉल्फ, जेंट पांडा, चीता, जेब्रा, वॉलरस, अंगोरा गोट। अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। नंबर 1 पे जो हमारा एनिमल है ये है जेंट पांडा। नंबर 1 पर जो आपको एनिमल दिखाया गया है, दिस इज जेंट पांडा। नंबर 1 में हमने जेंट पांडा लिख दिया है। और नंबर 2 एनिमल जो है हमारा वॉलरस। नंबर 2 में हमने वॉलरस लिख दिया है। नंबर 3 है हमारा चीता। नंबर 3 में हमने चीता लिख दिया है। नंबर 4 है हमारी वॉल्फ। वॉल्फ डॉग की तरह दिखती है और यह जंगल में रहती है। यह बहुत कनिंग होती है। नंबर 4 में हमने वॉल्फ लिख दिया है। नंबर 5 है हमारी अंगोरा गोट। नंबर 5 में हमने अंगोरा गोट लिख दिया है। और नंबर 6 जो एनिमल है सील, हम सील लिखेंगे। नंबर 6 में हमने सील लिख दिया है। नंबर 7 में है जेब्रा, हम जेब्रा लिखेंगे। नंबर 7 में हमने जेब्रा लिख दिया है। नंबर 8 है हमारा ऑक्टोपस। नंबर 8 में हमने ऑक्टोपस लिख दिया है। फैक्ट फाइंडर है हमारा, द फीमेल क्रोकोडाइल टेक्स हर न्यू बॉर्न बेबीज इन टू हर माउथ फ्रॉम लैंड टू वाटर। जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है वह अपने न्यू बॉर्न बेबी को लैंड पे देती है, जमीन पे आ जाती है पानी से, और बेबीज को उसके बाद अपने मुंह में लेके वाटर में चली जाती है, यानी कि अपने बच्चों को पानी में सुरक्षित छोड़ आती है। उसके बाद पिक्चर हंट है हमारा, नेम द एनिमल शोन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको जो एनिमल दिखाया गया है दैट इज जोए। हमने यहाँ जोए लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन, लेसन 12, होममेड्स। दीज आर द इंसेक्ट्स दैट यू कैन फाइंड इन योर होम। यहाँ कुछ इंसेक्ट्स दिए गए हैं जो हमें हमारे घर पर देख सकते हैं या हमारे घर में पाते हैं। राइट द करेक्ट लेटर फ्रॉम द क्ल्यू बॉक्स ऑफ दीज प्लेसेस वेयर दीज इंसेक्ट्स आर फाउंड। हमें जगह का नाम लिखना है जहाँ पर हमें ये इंसेक्ट्स मिलते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक करके दिखाया गया है। नंबर 1 है हमारा मोट, यह हमारा एफ देखिए, बल्ब के पास मिलता है। क्ल्यू बॉक्स हमें दिया गया है, यह एक इंसेक्ट है जो रात को फ्लाई करता है और इसका अटैचमेंट लाइट से होता है। यह बल्ब पर मूव करता है, बल्ब के आसपास घूमता है। नंबर 2 में है हमारे पास कॉकरोच। कॉकरोच जो है हमारे भंडार घर में किचन में मिलता है, तो यह मिलता है हमारे फूड पर। हम यहाँ पे क्ल्यू बॉक्स से देखकर बी लिखेंगे, क्योंकि बी पर फूड है, हम यहाँ बी लिख देंगे। नंबर 3 है हमारे पास बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हमारी होती है फ्लावर्स पर, तो हम यहाँ ए लिख देंगे। ए लिख दिया है हमने। और अब है हमारी 4 नंबर पे हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई होती है डस्टबिन के आसपास जहाँ कूड़ा करकट हो, ई लिखेंगे हम। हाउसफ्लाई के आगे हमने ई लिख दिया है क्ल्यू बॉक्स से देखकर। उसके बाद है हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो होता है आपका पानी के आसपास, यह मिलेगा हमारा कूलर के साथ। सी में हमारा कूलर है, हम यहाँ सी लिख देंगे। हमने सी लिख दिया है। उसके बाद है हमारा टर्माइट।
टर्माइट हमारी होती है वुडन में, जहाँ लकड़ी होती है वहाँ ये दीमक लगती है, टर्माइट को दीमक बोलते हैं। क्लू बॉक्स में हमारे पास डी में है वुडन अलमीरा, हम यहाँ डी लिखेंगे, हमने टर्माइट के साथ डी लिख दिया है वुडन अलमीरा। अब है हमारा पिक्चर हंट, वेयर यू फाइंड दिस इंसेक्ट आल्सो राइट इट्स नेम। यह जो हमारा इंसेक्ट है यह है लाइस, यह हमारे हेयर में मिलती है, जो अपने बालों की सही देखभाल नहीं करते, साफ नहीं करते, और ये लाइस वहाँ अपने आप बॉर्न हो जाती हैं, अपने आप पैदा हो जाती हैं, तो यह हमारे सिर में होती है लाइस, जिसे हिंदी में जूं बोलते हैं। पिक्चर हंट में हमने लाइस लिख दिया है, लाइस लिखे भी बोलते हैं इसे। अब हम करेंगे फैक्ट फाइंडर। बुक वॉर्म इज एन इंसेक्ट, बुक वॉर्म एक ऐसा इंसेक्ट है दैट लाइक्स टू ईट द पेजेस ऑफ द बुक, जो बुक के पेजेस को खाना पसंद करता है। इट लुक्स लाइक ए टिनी पोल वर्म, यह टिनी पोल वर्म की तरह दिखता है, पोल वर्म होता है पतला लंबा कीड़ा। ओके, थैंक यू।